हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक करने के बारे में। हाल ही में सरकार ने जो पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तिथि 31 मार्च थी, सरकार ने इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2023 किया है, जिससे अब आपको पैन और आधार को लिंक करने में और टाइम मिल गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पैन और आधार को लिंक करने के डेट एक्सटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैन और आधार लिंक करना क्यों जरूरी है। पैन और आधार लिंक करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको टैक्स फाइलिंग प्रोसेस में आसानी होगी और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। तो अब आप पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय मिला है। तो सबसे पहले हम आप दिखाना चाहेंगे जो वो नोटिफिकेशन, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेस रिलीज में जाना है। प्रेस रिलीज में जाने के बाद आपको ऑल रिलीज पे क्लिक करना है। रिलीज पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। ये जो नोटिफिकेशन थी, ये 28 मार्च को इशू किया गया था। तो आप चाहे तो यहाँ पे डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेट में यहाँ 28 डाल दिया, मार्च 2023। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डिटेल्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में जाना है, क्योंकि जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग ऑफ पैन आधार एक्सटेंडेड। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। ऊपर आप देख सकते हैं, लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ पैन आधार एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंड हो चुका है, पोस्टेड ऑन 28 मार्च 2023। ये 28 मार्च 2023 को पोस्ट किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पहले ये 31 मार्च 2023 थी जो लास्ट डेट, इसको तो इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 जून 2023 कर दिया है। अभी तक जैसा आप देख सकते हैं, लगभग 51 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर चुके हैं। इसमें अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पेनाल्टीज है, सो दैट विल बी एप्लीकेबल। तो इसमें आपका जो TDS और TCS जो होगा, वो डिडक्टेबल जो डिडक्ट होगा, वो हायर रेट पे होगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है incometax.gov.in। टाइप करने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो इंटरफेस, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। जो आपका पहला है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ न्यू इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको आधार स्टेटस चेक करना है, जो आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं। तो इसके लिए आप लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करें। जैसे आप लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ये कुछ न्यू इंटरफेस खुलकर आएगा। तो जैसे ही आप, जैसे आप देख सकते हैं, ये न्यू इंटरफेस खुलकर आ गया। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है कि नहीं। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसे 30 जून 2023 से पहले लिंक करवा ले। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।